अलीगढ़ में अचल ताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में 18वां देव दीपावली महोत्सव मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ के सानिध्य में मनाया गया। भक्तों ने मंदिर को 1,00,000 से अधिक दीपकों से सजाया। आस्था डांस अकादमी, संगीता डांस अकादमी व पद्मा डांस स्टूडियो के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महाकाल आरती पंडित कृष्णा ब्रजवासी अमित झा कान्हा शर्मा ने सम्पन्न कराई। महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा, संघ के विभाग प्रचारक गोविंद, महानगर प्रचारक विक्रांत, पूर्व महापौर शकुंतला भारती आदि शामिल हुए। देखिए, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अचल ताल स्थित श्री गिलहराज जी मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ जी। जानकारी लेंगे किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, कितने दीप जले हैं और कितने यहाँ पर श्रद्धालु आए, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और इतने भव्य दीपोत्सव की जो आपने कवरेज की रही है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे आपके माध्यम से, आपको साधुवाद। आज 1,00,001 दीपक मंदिर परिवार की तरफ से, गिलहराज जी मंदिर परिवार की तरफ से, बाकी बहुत सारे श्रद्धालु, क्योंकि मेरे पास माता बहनों के फोन भी आए कि हम अपने दीपक खुद लाएंगे, हमारी एक कामना है कि हमने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन दीपक हम जलाएंगे 31, 11, 21 जैसे भी है, तो कितनी संख्या है मैं कह नहीं सकता, लेकिन 1,00,000 तो हम कह रहे हैं और कितने श्रद्धालु हैं वो भी नहीं पता। इतने हमने सोचा नहीं था, इतना पूरा शहर उमड़ जाएगा, हर आयु वर्ग के लोग, यानी छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं और बुजुर्ग माता बहन जो चढ़ भी नहीं पा रही इस परिसर पे, वो भी आ रही हैं, यानी कहाँ कहाँ से आप अगर पूछेंगे तो मेरे ख्याल से अलीगढ़ के बाहर के भी लोग होंगे जिन्होंने दिखा दिया अलीगढ़ ने, अब ये हरिगढ़ बन चुका है, चारों तरफ हरिगढ़ है, हर तरफ भगवान है, हर तरफ जय श्री राम के नारे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही विहंगम दृश्य है। आज हम 1,00,000 तक पहुंचे हैं तो आगे भी ये संख्या बढ़ेगी, ये तो गौरव का विषय है कि हम बढ़ा रहे हैं, अचल बढ़ता जा रहा है, दीपकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी बृहद कार्यक्रम होगा आगे। कार्यक्रम के दौरान किस तरीके का जो मंचन हुआ है, जिस तरीके रामायण का और काफी कला जो देखने को नहीं बच्चों द्वारा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, रामायण का मंचन हुआ है, शिव तांडव, गणेश वंदना और राम जी के काफी सारे भजनों पे बहुत सारे बच्चों ने एक्ट किया और अभी चल रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, लगातार चल रहे हैं और देर तक चलेंगे, आतिशबाजी भी बब्बू हुए है और जिस तरह से भगवान राम की पालकी का यहाँ स्वागत किया लोगों ने, तो एक राम मंदिर की याद आ गई कि हाँ 24 तारीख को 2024 में 22 तारीख को हमें जाना है जनवरी में, तो निश्चित रूप से भावुकता सभी के दिखी और जो रामायण का एक्ट हुआ है उससे यहाँ बैठे काफी लोगों के आंखों में अश्रु तक आ गए थे कि क्या मंचन बच्चों ने एकदम सजीव किया, रामायण हमारे सामने आ गई, तो मैं सभी समाज सेवी संस्थाएं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनके कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा नाम मोनिका वाशने है। मोनिका, कहाँ पे आए आप? मैं रेलवे रोड से हूँ। रेलवे रोड से कहाँ पर आए, किस तरह का कार्यक्रम है आज? आज सभी को सबसे पहले देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और राम जी, मतलब यहाँ गिलहराज जी के मंदिर में बहुत ही सुंदर आयोजन है जिसके उपलक्ष में सभी बहुत खुश होकर भगवान के श्री चरणों में अपने अपने दिए जोड़ रहे हैं। आपने लगभग कितने दिए जलाए? मैंने एक ओम की आकृति में दिए जोड़े हैं। पूरा अचल सरोवर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी जिसके कारण थोड़े बहुत श्रद्धालु इधर उधर भी गए थे, लेकिन वापस फिर से इस प्रांगण में आ चुके हैं। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP News, अलीगढ़।